तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा सिंह अनुस्लम किचन ब्लॉग्स के नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है बंगाल में महालया। तो जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन यहाँ महालया मनाया जाता है, और किसी भी स्टेट में नहीं मनाया जाता है, क्योंकि ये बंगाल का प्रमुख पर्व है, इसलिए यहाँ महालया मनाया जाता है। तो कल से कल स्थापन हो जाएगी। तो अभी मैं जा रही हूँ, मतलब जा नहीं रही हूँ, खाना लगभग मैंने बना लिया, बस चावल चढ़ाना है। तो एक तरफ मैंने सब्जी चढ़ा दिया है, एक तरफ मैंने दाल बना लिया है। तो सब्जी किस चीज की बन रही है, तो चलिए वो दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, इधर मैं बना रही हूँ बैंगन आलू की सब्जी। तो बैगन आलू के साथ सीम भी लगेगा। इधर मैंने सीम भी, ये देखिए, सीम को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। एकदम बिहारी स्टाइल की बैगन सीम आलू की सब्जी है, और साथ में हरी मिर्ची को मैंने भून लिया है। जो लोग जिनके घर में तीखा खाना पसंद करते हैं ना, तो इस तरह से भुनी हुई मिर्ची आप खाइएगा ना, तो वह क्या टेस्टी लगती है। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए। कुछ नहीं करना है, मिर्ची को इस तरह से ठीक से कट लगाएंगे, और बस थोड़ा सा नमक तवा पर रख देंगे और धीमी आंच पे से रख देंगे, और ये सेकते रहेगा। एकदम मिर्ची कुरकुर भी लगेगी और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और ये भुनी हुई नमक है तो आपको नुकसान भी नहीं करेगा, जिन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। तो फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, इसके बाद जो भी चीजें दिखाने वाली होंगी मैं दिखाते चलूंगी आपको। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं पूजा सिंह अनुष्मा किचन के लगभग एक दिन के बाद मैंने ब्लॉग थोड़ा ही शूट किया था, वो भी महालया का दिन। तो वो क्लिप तो आपको इसमें, इस ब्लॉग में ही मिल जाएगी। और इसके बाद मैं नवरात्रा के दूसरे दिन शूट कर रही हूँ, तो किसी कारणवश मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो आज मैं शूट कर रही हूँ। तो देखती हूँ कि मैं क्या क्या आपको दिखा सकती हूँ। फिलहाल तो उस दिन का मैंने लंच आपको दिखाया था, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाया था। तो आज फिलहाल घर की हो रही है, अभी फिलहाल डस्टिंग वस्टिंग हो चुकी है, झाड़ू पोछा हो रहा है, तो आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए, झाड़ू पोछा कर रही है अभी। और अब मैं जा रही हूँ नहा धुल के पहले पूजा करने, पूजा कर लेती हूँ, और इसके बाद फिर देखती हूँ कि ब्रेकफास्ट और लंच में क्या बनाते हैं। तो ये देखिए, हो गई है मेरी पूजा, जस्ट अभी मैं पूजा करके उठी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ कुछ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। तो जी, आपने जस्ट अभी देखा है कि मैंने पूजा वूजा कर लिया है, और अब मैं जा रही हूँ कुछ ब्रेकफास्ट बनाने, क्योंकि लग गई है भूख। तो पहले ब्रेकफास्ट बनाते हैं, और इसके बाद फिर हम दोपहर का लंच की तैयारी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं ब्रेकफास्ट बनाकर खाती हूँ, फिर आपको मैं लंच दिखाती हूँ। ये देखिए, आज दोपहर के लंच में बन रहा है इसकी सब्जी। ये जो नेनुआ प्रजाति की होती है, तो इसे छुतपुतिया हमारे यहाँ बोला जाता है। आपके यहाँ क्या बोला जाता है, झिंगली बोला जाता है या कुछ और बोला जाता है, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसकी सब्जी बनेगी, थोड़ी येलो वाली जो सरसों आती है उसको पीस के थोड़ा मैं भून के इसे डालूंगी, और एकदम हल्के मसाले वाली सब्जी होती है। तो फटाफट चलिए, तो मैं सब्जी रेडी कर लेती हूँ। मैंने सब्जी कट कर लिया है, अब इसमें थोड़ा सा मसाला ऐड होगा, तो मैं दिखा देती हूँ कि कौन सा मसाला इसमें ऐड हो रहा है। तो ये देखिए, इधर मैंने दिया है पीली वाली सरसों, नमक, हल्दी और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। इस मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे, बहुत देर नहीं, बस 2 मिनट इनफ है। और इसके बाद ये जो सब्जी मैंने कट करके रखा है, बस इसे डाल देना है, और धीमी आंच पे इसे रख देना है, मतलब लो टू मीडियम आंच पे, बहुत धीमी आंच पर नहीं, लो टू मीडियम आंच पे। और देखिएगा, वो धीरे आराम से ये खुद ही पानी रिलीज करती है, उसी पानी से ये अच्छी तरह से पक जाएगी और सारे मसाले भी उसमें अच्छे से मिल जाएंगे। तो जी, सब्जी रेडी हो गई है, ये देखिए।
अब इसमें बनेगी गर्मा गर्म रोटियां और साथ में है दही और सर। तो आज हमारे दोपहर का लंच यही है। तो बहुत छोटा सा ब्लॉग मैं रख रही हूँ, प्लीज जो नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लाइक शेयर और कमेंट आप जरूर कीजिएगा।